ख्याल आया कि हजारों लोगों को लेकर चल रही ट्रेन के ताकतवर पहिए आखिर कैसे तैयार किए जाते हैं, साथ ही भारत में कहां और कौन इन भारी भरकम रेल व्हील्स को तैयार करता है। अगर आपको ये सब नहीं पता तो यकीन मानिए आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद। पहियों को बनाने की शुरुआत एक बड़ी सी लोहे की रॉड से होती है, जिन्हें सबसे पहले एक धारदार ब्लेड की मदद से छोटे छोटे रोल्स में काट लिया जाता है। बिल्कुल सही शेप एंड साइज में काटने के बाद लोहे को एक मैग्नेट की मदद से मूव किया जाता है और एक फर्नेस तक पहुंचाया जाता है। अब यहाँ इन बड़े बड़े लोहे के रोल्स को इंडक्शन में रखा जाता है। ये इंडक्शन बहुत हेवी एंड पावरफुल होता है, साथ ही यहाँ का तापमान काफी ज्यादा होता है। इंडक्शन के तापमान का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 20 मिनट में 10 से 15 रोल्स का रंग लाल हो जाता है। अब एक कन्वेयर की मदद से रेड हॉट मेटल को दूसरी मशीन तक ले जाया जाता है। यहाँ एक क्लॉ मशीन इन्हें उठाकर एक दूसरे हीटिंग चैम्बर में डालती है। यहाँ इस चैम्बर में गोल्ड रॉड को और ज्यादा हीट अप किया जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि गर्म लोहे को शेप देने में आसानी होती है। इसके बाद अब गर्म रॉड्स को हीटिंग चैम्बर से बाहर निकालकर एक दूसरी मशीन पर रखा जाता है, जहाँ मशीन के दो आर्म्स गर्म रॉड को मशीन के ऊपर सही जगह पर लाते हैं और फिर एक भारी भरकम हाइड्रोलिक प्रेस मशीन गर्म लोहे को पूरी ताकत से प्रेस करती है। महज दो बार के प्रेस करने से ही लोहा रेल के पहियों का आकार ले लेता है। शेप देने के तुरंत बाद ही इसे मशीन से बाहर निकाल लिया जाता है और एक बार फिर क्लॉ मशीन की मदद से दूसरी मशीन तक ले जाया जाता है। अब बेहद गर्म पहिए के शेप वाले लोहे को रोलर प्रेस मशीन पर रखा जाता है। यहाँ इसके एजेस को कुछ ऐसा शेप दिया जाता है कि ये रेलवे ट्रैक पर फंस कर अच्छे से चले। ये पूरा प्रोसेस हेवी ऑटोमेटिक मशीन की मदद से किया जाता है, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में तापमान काफी ज्यादा होता है। इस वजह से किसी भी इंसान का यहाँ काम कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन काम सही तरह से हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए प्रोसेस को हाईटेक कंप्यूटर्स की मदद से लगातार मॉनिटर किया जाता है। एज पर रिक्वायर्ड शेप में आने के बाद इसे दूसरी हाइड्रोलिक प्रेस मशीन में रखा जाता है, जहाँ ये मशीन पहिए के बीच में प्रेस करके एक होल बना देती है ताकि वहाँ पर एक्सिल को लगाया जा सके। एक्सिल होल क्रिएट होने के बाद सेंसर मशीन से होल के डायमेंशंस यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई को मेजर किया जाता है। इसके बाद इन सबको ठंडा होने के लिए पानी में डाल दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इसे फिलिंग मशीन में रखा जाता है, जहां मशीन पहियों के एजेस बनाती है। फिलिंग मशीन में जाने के बाद पहिए शाइन करने लगते हैं। घिसाई के बाद रॉ एजेस बिल्कुल स्मूथ कर दिए जाते हैं, साथ ही पहिए के बीच में मौजूद होल में एक्सिल फिट किया जाता है। एक्सिल फिट होने के बाद ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके व्हील्स को टेस्ट किया जाता है। व्हील्स की सभी तरह की टेस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ही की जाती है। यहाँ सभी पैमानों पर खरा उतरने के बाद इन व्हील्स पर एंटी रस्ट पेंट किया जाता है और फिर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद व्हील्स को दूसरे प्लांट में असेंबलिंग के लिए भेजा जाता है। ये तो हुई ट्रेन व्हील के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात। अब हम आपको इस फैक्ट्री का इतिहास और वर्तमान बता देते हैं।